आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर पछुआ दून विकास नगर से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, जहां पर संवैधानिक संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें दौलत कुंवर द्वारा घोषणा की गई है कि 12 तारीख से संपूर्ण क्षेत्र में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान रैली निकाली जाएगी, जिस रैली के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र के लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर विकास नगर पछुआ दून से दौलत कुंवर की पत्रकार वार्ता से, तो सीधा ले चलते हैं उस पत्रकार वार्ता की ओर। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जिस समाज को कुछ वर्षों पहले तक भी ठाकुर ब्राह्मणों के गांव में अगर जाते थे जूते पहनने की इजाजत नहीं थी, और महिलाओं को तो यहां तक महिलाओं का दमन था इस क्षेत्र में, किसी को जिस मर्जी को भी जो थोड़ी तेज तरार होती थी उसको या तो डायन बना देते थे या भिशियारी बना देते थे। इसके पीछे यदि उनको आज मनोबल मिला और वो 155 साल पुरानी व्यवस्था को लागू करने वाले सियाणाओं की उस व्यवस्था को धराशायी करने के लिए घरों से निकले हैं, ये उनके लिए एक भारतीय संविधान की जीत है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे हमारी महापंचायत का कवरेज किया, उसको प्रकाशित करने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूँ, जिसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, जो लोग इस महापंचायत में नहीं आ पाए, जिनके घरों में अखबार नहीं जा रहे हैं, जिनके पास में एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है जिसमें व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, उनके लिए जो अभी महापंचायत कालसी में अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध जनों सियाणाओं के द्वारा और महिलाओं के द्वारा की गई है, उनके पास कोई अता पता नहीं है, उनको जागरूक करने के लिए संवैधानिक अधिकार जागरूकता यात्रा 12 तारीख से जौनसार बावर के कोने कोने में शुरू की जा रही है, जिसके लिए हमारा दल रवाना होगा 12 तारीख से। और हम इस क्षेत्र में जाकर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी सूची तैयार करेंगे, जिन प्रधानों ने भारत सरकार से राज्य सरकार से जो पैसा इनको मिलता है उसको सही धरातल पर लाया उसकी भी हम सूची तैयार करेंगे। और जो कृषक जो किसानी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी हम सूची तैयार करेंगे। और जिस दिन इस यात्रा का समापन चक्राता के मुख्य बाजार में किया जाएगा, उस दिन एक बहुत भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। उस कार्यक्रम के दौरान इन सबको सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा। और आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी जिन्होंने हमारी खबरें प्रमुखता से छापी है उनको भी उस मंच के द्वारा सम्मानित करने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।